हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ अपनी कॉलेज, क्योंकि भाई मेरे कॉलेज में चल रहा है प्रैक्टिकल। भाई अभी मेरी तबीयत ख़राब, ज़्यादा ख़राब हो गई थी चक्रम भाई, आपको आवाज़ से ही सुनने में दिख रहा होगा कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है। और भाई मैंने आपको फ्रेम में कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा। भाई मैंने ऑर्डर किए थे राइडिंग ग्लव्स, जो कि हमारे फाइनली आ चुके हैं। तो भाई वो हैं ये भाई, मैंने करे थे आरी के, मतलब रॉयल इनफील्ड के राइडिंग ग्लव्स, जो भाई मेरे को पड़े हैं 400 रुपीज़ के। भाई प्रोटेक्शन तो भाई एक नंबर है भाई, बढ़िया है। तो जैसे डेवल भाई के स्टड्स के हैं, बिल्कुल सेम मैचिंग के यही है। मुझे नहीं लग रहा है कि भाई ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड के हैं, क्योंकि भाई 400 में रॉयल इनफील्ड कहाँ ही प्रोवाइड करेगी यार। लेकिन भाई पूरा आप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड बाकायदा लिखा हुआ है। तो लेकिन जो भी सही भाई, लेकिन क्वालिटी भाई एक नंबर है भाई, ग्रिप ग्रिप भी एक नंबर है भाई। भाई जिस किसी भाई ने मेरा पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा, भाई ब्लॉग लाइव हो चुका है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर। और भाई ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स आते रहेंगे, आप बस अपने ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। तो ये अभी पहुँच चुका हूँ, बस सो रहा हूँ भाई। फ्यूल के देख रहे हैं आप, दो कांटे हैं, तो हमें फ्यूल अप भी कराना पड़ेगा। तो अभी आगे चलते हैं और फ्यूल अप कराते हैं। ओए आप देख रहे होंगे सो एक मीटर वाली प्रॉब्लम को काफ़ी भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन भाई मेरा भी 2 हफ्तों से ब्लॉग भी नहीं आया था। उस टाइम मैं अपना कुछ पर्सनल काम कर रहा था, चक्कर में कहीं जा ही नहीं पाया था, ना मैंने एक भी कोई राइड करी थी। तो भाई अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। तो भाई आपको जल्दी आपको ये मीटर भी बिल्कुल ठीक मिलेगा। तो भाई अभी कराते हैं फ्यूल अप, उसके बाद फिर चलते हैं, क्योंकि भाई 2 कांटे रह गए हैं बस। तो ये फ्यूल अप तो हो चुका है, उसके बाद यहाँ से आगे शोरों से टर्न है सलेमपुर साइड के लिए, वहाँ मुझे जाना है अपनी कॉलेज। तो यहीं से भाई हमें टर्न लेना पड़ेगा। और भाई मेला ग्राउंड सो रहा हूँ, मेला ग्राउंड तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो भी हमारे व्यूवर्स आस पास के कासम जी के हैं। और भाई मैं अपनी बाइक पर थोड़े ग्राफिक्स कराने की सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई इसकी जो मैंने देखे थे ग्राफिक्स देखे थे वो फुल बॉडी के भाई, वो मेरे को कॉस्ट कर रहा है अराउंड 2600 रुपये करीब कर रहे हैं ग्राफिक्स के टोटल। मतलब पूरी बाइक, मतलब पूरी बाइक पे जो ग्राफिक्स आते हैं भाई डिज़ाइन, वो कर रहे हैं 2600 रुपये कॉस्ट। तो भाई अभी मैं सोच रहा हूँ इस पर अपनी ब्लू कलर की बाइक पे नियॉन कलर के बहुत ही अच्छे लगेंगे ग्राफिक्स, पसंद से करवाऊँ। तो भाई आप और भी कलर सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ब्लू बाइक पे मतलब और कौन से कलर के ग्राफिक्स अच्छे लगेंगे। भाई मेरे को तो भाई लगता है कि नियॉन ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि ब्लू पे और तो कोई ज़्यादा कलर अच्छा लगेगा नहीं वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, नियॉन कलर ऐसा आएगा भाई अलग से दिखता है भाई। भाई हमारी जल्दी एक ट्रिप भी होने वाली है ऋषिकेश की, या तो ऋषिकेश या फिर पूर्णागिरी, 2 ट्रिप हैं। या तो भाई पहले कोई कंफर्म पता नहीं है, पहले पूर्णागिरी भी हम जा सकते हैं और ऋषिकेश भी जा सकते हैं। तो वो आपको आगे हमारे ब्लॉग्स में पता चलता रहेगा, और भाई मेरे ब्लॉग्स पर डे आते रहेंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सलेमपुर, उसके बाद फिर हमें यहाँ से जाना है चार पाँच किलोमीटर पड़ता है शायद अलीपुर भरवारा, जहाँ मेरी कॉलेज है भाई। उस कॉलेज से मैं कर रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, तो उसी का भाई प्रैक्टिकल चल रहा है, वही देने जा रहा हूँ भाई। बस हमारे कॉलेज को आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो कासन से होकर आप आ सकते हैं और एक शोरों से भी होकर सकते हैं। कासन वाला रोड भाई ये है भाई, कासन वाले रोड से मैं इसलिए नहीं आता हूँ कि भाई रोड तो अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जितनी देर में मैं कासन पहुँचूँगा उतनी देर में भाई मैं कॉलेज आ जाऊँगा भाई, उतना टाइम मेरे को ज़्यादा लग जाएगा कि मैं जितनी देर में कासन पहुँचूँगा उधर से घूम के आऊँगा, इसलिए भाई मैं सीधे ही चला आता हूँ, मतलब शोरों साइड से होके ही आ जाता हूँ भाई। अभी टाइम हो रहा है 11:36, और भाई मेरे को आना था 11:00 पे आना था कॉलेज में, लेकिन भाई मैं लेट हो चुका हूँ 36 मिनट भाई, और पता नहीं क्या हो रहा होगा भाई। मेरा ना से भाई प्रैक्टिकल स्टार्ट भी हो गया होगा। और भाई कमेंट करके बताएं कि भाई मैं अभी ट्रिप करने वाला हूँ या ऋषिकेश की सही या फिर पूर्णागिरी की सही, तो भाई मैं अपनी V3 को लेके जाऊँ या अपनी क्लासिक 350 जो वाइट कलर की आपने देखी होगी मेरे ब्लॉग्स में, वो वाली लेके जाऊँ भाई। वैसे मेरा मन तो कर रहा है कि क्लासिक ही लेके जाऊँ, क्योंकि भाई इसमें बहुत कंधों में पेन होने लगता है और हाथों में भी पेन होने लगता है इससे भाई, लॉन्ग ट्रिप के लिए नहीं है। लेकिन भाई आप लोग जैसा बोले भाई वैसा ही हम करेंगे, आप लोग कहोगे कि भाई V3 को लेके जाओ तो भाई हम V3 को लेके जाएंगे, और आप जिस लोग कहोगे कि भाई क्लासिक को लेके जाओ तो भाई हम अपनी क्लासिक को लेके जाएंगे। तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई हमें कौन सी बाइक लेके जानी चाहिए,
तो ये मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि भाई आप कोई भी गाड़ी लेना है उससे पहले आप देख लें उसके आसपास आपके नियर बाई उसका शोरूम या फिर सर्विस सेंटर है या नहीं है, वरना भाई मेरी तरह आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है भाई। जैसे मेरे क्लच प्लेट है थोड़ी बर्न हो गई थी, इसलिए भाई मुझे बहुत चक्कर लगाने पड़े थे उधर उधर के, लेकिन कहीं नहीं मिली थी। फिर मैंने अलीगढ़ ऑर्डर लगा के फिर तीसरे दिन भाई मेरे पास आई थी, और अब भाई रेस की प्रॉब्लम मेरे को भी सही नहीं हो रही है, उसे भी उसके लिए मुझे भाई जाना पड़ेगा अलीगढ़, फिर वहीं सही हो पाएगा। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपनी कॉलेज, उसके बाद भाई प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद फिर मैं हम आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. तो आप लोगों ने जैसा देखा होगा कि मैं गया था कॉलेज, उसके बाद भाई कॉलेज से हुई थी लेट, छुट्टी हुई थी, लेकिन भाई उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है कुछ दिनों से, और भाई तबीयत के बाद भाई देखो क्या हो रहा है। तो भाई कल भी मेरी एक बोतल चढ़ी थी और आज भी बोतल चढ़ने वाली है, तो भाई देख रहे हो यार क्या हालत में, अच्छा खासा था भाई, वो पता नहीं अचानक से क्या हो गया। भाई मैंने रिपोर्ट चेक कराई थी, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट चेक कराई थी, उसमें मलेरिया निकल के आया है। तो कल मैंने एक बोतल चढ़ा ली थी और आज चढ़वा रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप दो बोतल चढ़वा लीजिए, उसके बाद फिर आपकी बॉडी में जो एनर्जी कम हो गई वो एनर्जी सही हो जाएगी, उसके बाद आप रेगुलर मेडिसिन लेते रहिए, उसके बाद आप सही हो जाओगे। तो भाई कल जल्दी से करा दिया, तो और भाई आज भी मैं जल्दी आ गया हूँ कराने के लिए, क्योंकि भाई जल्दी से ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर मैं अभी राइड कर लूँगा, वरना भाई पूरे दिन में आता हूँ, पूरे दिन में बहुत जल्दी भीड़ हो जाती है यहाँ पर, फिर भाई बहुत टाइम लग गया, तो भाई सुबह सुबह करा लूँगा तो अच्छा रहेगा। बोतल वाला काम तो खत्म हो चुका है, मेरे बोतल लग चुकी है, छोटी सी बोतल लगा 4 घंटे लग गए थे, उसके बाद भाई बोतल तक हो चुकी है। ड्रिप अभी भी लगी हुई है, लेकिन ड्रिप जो डॉक्टर साहब ने बताया कल लेके ले गई है, क्योंकि इसमें कई दिन इंजेक्शन भी लगाएंगे 2-3 दिन, तो मैंने कहा इंजेक्शन में दर्द होगा तो अभी से लगा रहने दो, उसके बाद कल आप निकाल देना। तो भाई देख रहे हो भाई क्या सीन होगा गलत यार, और भाई ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाते रहे भाई, मैं रेगुलर ब्लॉग लाता रहूँगा। तो भाई आज के ब्लॉग में से इतना ही, और करता हूँ आपसे बढ़िया बढ़िया रहें, टेक केयर, बाय बाय। You said that